हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ लवनू फ्रॉम फन टाइम। ये मेरा क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो है। आज आप देख रहे होंगे आजकल में कि बिटकॉइन के रेट इतने ज़्यादा नीचे क्यों गिर रहे हैं। इसके कई दो तीन रीज़न है। फर्स्ट ऐसा कि जो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी और जो भी इन्वेस्टर हैं ये सोच रहे हैं कि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। जैसे इंडिया में देखें तो 13 से 14 लाख है, जेप पे और यूनिकॉइन में 12-13 लाख है। अदर जैसे फॉरेन जो जो हम एक्सचेंज देखें तो उसमें 12-13 लाख है। तो जो इन्वेस्टर वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बिटकॉइन से पैसा निकाल के अदर करेंसी जो भी अल्ट कॉइन करेंसी जैसे दूसरी करेंसी हैं, जैसे हमारी जो दूसरी करेंसी हैं अपनी जैसे रिपल, इथरम, सेकेंड मोस्ट अवेटेड मोस्ट हायर सेकेंड है जो इथरम है, चौथा जैसे तीसरा बिटकॉइन कैश है, रिपल है, लाइट कॉइन है, डैश है, ये सारी कंपनियां जो भी क्रिप्टो जो करेंसी हैं इनके रेट जो 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 भी इन्वेस्टर वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कारण से जो भी इसके रेट हैं बिटकॉइन के वो नीचे जा रहे हैं और बाकी जो इनके रेट हैं बाकी कॉइनों के ये ऊपर आ रहे हैं। ये ज़रूर जैसे ही ये एक लिमिट तक जाएगा ये फिर वापस आएगा बिटकॉइन के रेट। लेकिन एक मार्केट में हो सकता है कि जैसे ही ये बिटकॉइन जाता है डाउन जा रहा है, कई लोगों ने इसमें शेयर मतलब ख़रीदा नहीं है, बहुत सोचा कि जैसे 2011-12 के टाइम पे इसकी $1 से भी कम थी, अभी तो बहुत काफ़ी कॉस्ट हो रखी है। जो लोग अब भी काफ़ी टाइम है कि अभी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, मतलब चांस है उनके लिए ख़रीदने के लिए। बिटकॉइन फिर वापस आए रेट आएंगे तो चांसेस हैं कि बाकी जो अल्ट कॉइन है उनके रेट नीचे जाएंगे, संभावना है। और हो सकता है कि जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जो भी अपना वैलेट है बार बार चेक करते रहते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा है। जब आप इन्वेस्ट किए हैं तो क्या दिक्कत है, तो आपको भूल जाना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किए हैं तो बार बार नहीं देखना चाहिए। इससे क्या है कि आपको घबराहट होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बस मैं इसीलिए बनाने आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट प्लीज़। इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ लाइक और नॉट लाइक तो प्लीज़ डिसलाइक। थैंक यू।